नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं UPSI 9534 भर्ती प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपका परीक्षा हो रहा है वो तीन फेज़ में होना संभावित यहाँ पे किया गया है। तीन फेज़ में आपका परीक्षा होगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तीनों फेज़ के बारे में, तो आपका जो परीक्षा है इसका UPSI का वो 12 नवंबर से शुरू होने वाला है। और दोस्तों तृतीय जो फेज़ आपका उसमें संशोधन किया गया है, देखिए वो आपका होगा शुरू 20 नवंबर से। दोस्तों पूरा आपका ऑफिशियल नोटिस देखिए जारी हो चुका है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से कि आपको जो तीनों फेज़ है परीक्षा के वो कब कब होने वाले हैं और कितने दिन परीक्षा की चलने वाली है, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमेशा नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को जहाँ जहाँ सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स आपका जो एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले आपकी परीक्षा की तिथि से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, इस बात की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिस की तरफ और दिखाता हूँ पूरा नोटिस क्या है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये आपका UPSI का पूरा ऑफिशियल नोटिस है जहाँ पर दोस्तों ये संशोधन किया गया है। आपका द्वितीय पाली का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, द्वितीय आपका फेज़ एग्ज़ाम होने वाला है, उसके डेट में जो बदलाव किए गए हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। तीनों फेज़ की डेट मैं आपको बताऊँगा कि कब से कब आपका फेज़ कम्प्लीट करवाया जाएगा। और तो सभी फेज़ में 6 दिन की परीक्षा होंगे। 6 दिन में दोस्तों एक दिन में 3 शिफ्ट चलेगा, मॉर्निंग शिफ्ट होगा, आफ्टरनून शिफ्ट होगा और इवनिंग शिफ्ट होगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे डेज़ के बारे में कि कौन कौन से दिन आपके परीक्षा होने वाले हैं, तो सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक अपना तिथि नहीं देखा है कि आपका एग्ज़ाम किस डेट में पड़ने वाला है, चाहे वो फर्स्ट फेज़ कैंडिडेट हों या सेकेंड फेज़ के हों या फिर थर्ड फेज़ के हों, तो दोस्तों ये सबका लिस्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। कैसे आपको चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा लिंक पड़ा हुआ है, लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, सभी फेज़ का पड़ा हुआ है। जिसका फर्स्ट फेज़ में है उसका तो आ ही चुका है, जिसका सेकंड और थर्ड फेज़ में है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। वहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके अपने एप्लीकेशन नंबर से आप सर्च कर लीजिएगा, आपको आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको और देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको जो फेज़ आपके डिवाइड किए गए हैं तीनों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, उक्त भर्ती हेतु ऑनलाइन लिखित परीक्षा CBT मोड बोर्ड द्वारा दिनांक 12/11/2021 से 2/12/2021 तक 3 चरणों में उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों के चयनित परीक्षा केंद्रों पर 3 पालियों में आयोजित की जा रही है। दोस्तों प्रथम आपका फेज़ होगा देखिए वो 12 नवंबर-17 नवंबर के बीच में होगा, द्वितीय फेज़ जो होगा वो 20 नवंबर-25 नवंबर के बीच में होगा और जो थर्ड फेज़ होगा वो 27 नवंबर-2 दिसंबर के बीच में होगा। जो पूरा परीक्षा आपका है दोस्तों वो 2 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, यदि किसी तकनीकी समस्या के कारण किसी परीक्षा तिथि पाली में किसी केंद्र विशेष पर परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी तो ऐसे केंद्र की परीक्षा 3/12 यानी 3 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त भर्ती हेतु समस्त शर्तें एवं नियम पूर्व निर्गत विज्ञप्ति के अनुसार ही रहेंगे। दोस्तों ये केवल आपका संशोधन इतना किया गया है, जो संशोधन आपका था मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा जो नियम पुराने बने हुए हैं, जो पुराने के शेड्यूल में जारी किए गए थे, वो सब बाकी इस पर फॉलो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरा आपका ऑफिशियली अपडेट था, डिस्क्रिप्शन से आप लिंक देख लीजिएगा, वहाँ से जाकर डायरेक्टली अपना डेट चेक कर लीजिए कौन से डेट आपका एग्ज़ाम पढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स ये पूरा आपका अपडेट था इससे संबंधित, और हमेशा इससे संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास जहाँ जहाँ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए अपडेट नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।